सो गाइस एक्चुअली आई एम आउट फॉर सम वर्क एंड इतना ज़्यादा धूप है बाहर, मुझे अंदाज़ा भी नहीं। वेट, मैं थोड़ा इस साइड से चल के आपको दिखाती हूँ। कैन यू गाइस सी, बहुत ज़्यादा धूप है इधर। इस साइड थोड़ा सा है पेड़ पौधे, उससे मुझे बचा लिया है अभी, बट आगे जाके हमें और, ये देखो अभी और पेड़ पौधे नहीं है इस एरिया में। माई गॉड यू गाइस, दिस थिंग्स आर सो एम्बैरेसिंग। मतलब आप व्लॉगिंग करते हुए ऐसे रास्ते पे चलते हो एंड पीपल थिंक आप अकेले बात करते करते जा रहे हो एंड बहुत सस्पिशियसली देखते लोग। सो एम्बैरेसिंग, मुझे घर पे रहना ही पसंद हो गया है। एंड ओके, हाँ मैंने ये व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था, मैंने तो बताया ही नहीं। वेट वेट, और भी बहुत सारे लोग हैं। ओह माय गॉड यू गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है बात करने में, इसमें घर में जाके बात करती हूँ। मैं घर जाने में काफ़ी टाइम है, मैं अभी जस्ट घर से निकली ही हूँ। सो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे बाद मैं घर पहुँच जाऊँगी, सो उसके बाद बात करते हैं। गाइस कल रात को मैं बहुत अच्छे से चल कर रही थी, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख रही थी एंड सडनली मुझे व्हाट्सअप में एक मैसेज आया और वो मैसेज ये है। इसमें लिखा है कि हमारे कॉलेज खुलने वाली है, वो भी 6th, ये वाले 6th से, मतलब सितंबर के 6th। बाय द वे आज डेट है 5th of September, कल से कॉलेज खुलने वाला है बेसिकली। एंड आई डोंट थिंक मैं कल से जाऊंगी बिकॉज हाँ मैं बीमार हूँ, मतलब बहुत कुछ खास थी, सर्दी बुखार ये सब, ये सब नॉर्मी बीमारियाँ हैं। सो जो भी हो, मतलब इसमें, मतलब उस नोटिस में लिखा है कि अगर आपको कुछ सर्दी बुखार कुछ भी है, आने की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम हैप्पी इनफ, तो लेट्स सी, मैं कल नहीं जाऊंगी बट ओके लेट्स सी, आई डोंट नो। मतलब हाँ फॉर श्योर मैं कल तो नहीं जाऊंगी, उसके बाद अगर लेट्स सी, मैं 3-4 दिन बाद चली जाऊंगी। एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे, आज मैं काफ़ी ठीक हूँ बट थोड़ा सा और ठीक हो जाऊँगी तो चली जाऊँगी। सी द प्रॉब्लम इज़, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अभी यूट्यूब में यूट्यूब वीडियोज़ बनाते रहना है, घर में रहना है, रिलैक्स होते रहना है, इसलिए मुझे कॉलेज नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट सी, एज यू गाइज नो, मेरे पास 2 pets है एंड दोनों का ख्याल, मतलब मैं दोनों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ सिंस आई एम अ पेट लवर। या अब मैं चली जाऊँगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा, इन लोग कैसे रहेंगे। एंड इफ़ यू गाइज वंडर, मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, माई मॉम इज़ अ वर्किंग लेडी एज वेल, सो इसलिए वो घर पर नहीं रहती। एज यू गाइज, मतलब आप जब भी मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हो, आपने कभी मेरी मम्मी को नहीं दिखा होगा बिकॉज नहीं रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो एंड अभी मुझे घर में रहना ऑनेस्टली अच्छा लगने लगा है बिकॉज यार घर में जैसे कि अभी मैं अकेली हूँ, मैं कुछ, मैं अगर मुझे टीवी देखने का मन है मैं जाके टीवी देख सकती हूँ, मुझे फ़ोन पे यूट्यूब वीडियोस देखना है देख सकती हूँ, बनाना है बना सकती हूँ, कुछ खाना है मैं खुद बना के खा सकती हूँ, प्लस मेरे ये पेट्स है ही, बहुत प्यारे प्यारे पेट्स। सो या मुझे अभी कॉलेज जाने का मन ही नहीं कर रहा है बट जाना तो है सिंस पढ़ाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यूट्यूब सेकेंड है। मुझे डॉग के लिए ऑनेस्टली उतना टेंशन नहीं हो रहा है बिकॉज वो रह सकता है मतलब ऐसे घर में अकेले, बट जो पैरट है ना वो एक्चुअली, इससे पहले हमारे पास 2 और पैरट्स थे, छोटे छोटे बच्चे थे वो भी, ये भी एक बच्ची ही है बट वो तो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, उनके तो अभी यू नो पंख वगैरह, पंख जो भी बोलो जो ग्रीन कलर का होता है उन लोग का, फैदर्स वगैरह, फैदर्स भी नहीं आए थे अब तक, तब लाए थे हम लोग उसको। एंड हमारे इस एरिया में बहुत सारे बिल्ली और कुत्ते हैं, बिल्ली स्पेशली ख़तरनाक है बिकॉज वो घर में घुस जाती है, राइट। सो अच्छा वेट, हाँ तो बिल्लियों, मतलब हाँ एक बिल्ली ने अटैक किया था उसके ऊपर, सो एक की मौत वैसे हो गई और एक की तो हुआ था, मतलब आई डोंट वांट टॉक अबाउट दैट। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ बिकॉज जब से मैंने ये पैरेट लिया है तब से मैंने उसका आज तक अकेला छोड़ा ही नहीं है। इनकेस कभी मम्मी घर पे होती है तब मैं बाहर जाती हूँ, ऐसे मैं उसको अकेला नहीं, मैंने अभी तक उसको अकेला नहीं छोड़ा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है ऑनेस्टली एंड आई डोंट नो अभी क्या होगा, बट या कॉलेज तो जाना पड़ेगा। एंड अगर कॉलेज जाना है तो लेट्स सी, मैं कल तो नहीं जाऊँगी बट लेट्स सी 3-4 दिन बाद जाऊँगी, तो इस वीक से तो फॉर श्योर जाऊँगी एंड उससे पहले काफ़ी ज़्यादा काम होता है एज़ यू गाइज नो। एंड मेरा ना अभी पूरा मैस हुआ पड़ा है मतलब नोट्स के मामले में बिकॉज सिंस ऑनलाइन क्लास होता है तो कुछ नोट्स वगैरह भी देते हैं, तो वो ऐसे व्हाट्सएप में एड्रेस सेंड कर देते या तो
वो जो जूम गूगल मीट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं वहाँ पे शो कर देते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना। तो ये जो लिखने वाला काम है वो तो मैं शाम को कर लूँगी, लेट्स सी। आज थोड़ा सा हम ओवर टाइम करके लिखेंगे। मैं सोच रही थी कि आज का दिन मैं पूरा यूटिलाइज करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30, तो उठ के मैंने घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया है, नहा लिया है। ओके, मुझे वीडियो स्टार्ट नहीं बनाना था। वेट वेट वेट, इतना अजीब सा लग रहा है। मैं इतने कैम मतलब व्हाट द हेल, मैं मतलब इतने इतने पास लेके। ओके गाइस, तो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे नहीं जाना है। ऐसे मैं बात करूँ कितना इडियट लगता है देखने के लिए बाद में, जब मैं एडिट करती हूँ ना। थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, राइट? नहीं है तो लेट्स सी। अभी मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ एंड कहाँ पे लग जाते हैं, हमें रेस्ट वगैरह नहीं करना। सो लेट्स गो मेक सम रील्स एंड उसके बाद लेट्स सी। दिस इज द ड्रेस, मतलब ये वाइट कलर का कुर्ती काइंड ऑफ है, इसके साथ ये दुपट्टा है और इसके साथ बॉटम वेयर भी था, मुझे वो नहीं मिला। सो आई थिंक मैं ना ये प्लाजो पेंट था मेरे पास अवेलेबल, मैं उसी से काम चलाती हूँ। सो लेट्स सी। So guys, I'm all ready. This is my outfit and hairstyle. मैंने बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल रखा है, ब्रेड किया है एंड दिस बिग इयर रिंग्स, थोड़ा सा कर्ल वगैरह भी किया है। एंड मैं भी बाहर आई हूँ, घर के बाहर, जस्ट सोच रही थी आउटडोर शूट करूँ थोड़ा सा, बिकॉज मौसम बड़ा ही दुखी दुखी है, आज धूप वगैरह है ही नहीं। सो इसलिए घर के अंदर शूट करना पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी, मैं इधर में कुछ वीडियोज़ बना लेती हूँ। सो गाइस, आई एम डन। बहुत सारे रील्स और फोटोज़ ले लिए इस आउटफिट में और अभी बहुत ज़्यादा धूप देने लगा है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो लेट्स गो होम एंड सोएंगे अभी। या डन। सो गाइज, आई एम बैक होम, मतलब अभी जस्ट कॉलेज की छुट्टी हुई है एंड इट वाज प्रीटी गुड। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्लासेस नहीं हुआ, टीचर्स ने बस रिविजन वगैरह किया एंड मतलब ओके आज का दिन अच्छा ही रहा। देन हम लोग कैंटीन गए साथ में, बहुत सारी मस्ती की, तो दे वॉज गुड। सिंस टुडे इज़ द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे पे अच्छा था सब कुछ। एंड लेट्स सी, मैं अभी घर जाके बात करती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग, एक्चुअली घर जाके नहीं, घर जाके नहीं, मुझे अभी घर जाके पहले देखना है मेरे पेट्स क्या कर रहे हैं। एंड मैं सोच रही थी व्लॉग अभी यही एंड कर दूँ, बस मुझे घर जाके दूसरे वीडियोज़ भी शूट करना है। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया गया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सो या बाय बाय।